नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हिसार में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह को किया संबोधित। गिरदावरी रिपोर्ट आने के 30 दिन के भीतर मिलेगा किसानों को मुआवजा, कहा मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में एकल विंडो सिस्टम का उद्घाटन कर किया लोकार्पण। स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को आत्मसात करके हरियाणा सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है। यदि हम जाति पाति धर्म संप्रदाय तथा क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों को एक समान मानकर विकास कार्य करेंगे तभी हम देश में राज्य को आगे ले जा पाएंगे। यह उद्गार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कोर्ट परिसर में लाला लाजपत राय की मूर्ति का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प हरियाणा को समृद्ध, खुशहाल व स्वच्छ प्रदेश बनाना है तथा विकास का हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है। हम प्रदेश की जनता की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। ई गवर्नेंस के माध्यम से उस सारे सिस्टम खड़े हो जाएंगे। हाँ, जब ई गवर्नेंस और सिस्टम के माध्यम से कोई किसी की दुख तकलीफ है वो बहुत थोड़े लोगों की होती है, किन्हीं कारणों से होती है। वो थोड़े लोगों की दुख तकलीफ को अलग से हल की जा सकती है, लेकिन सामान्य हित जनता का गुड गवर्नेंस के माध्यम से लाया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। उस लाइन पर हम काम कर रहे हैं और उस अनुसार समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, वकील हो, चाहे उद्योगपति हो, डॉक्टर हो, कोई भी वर्ग हो, सब वर्गों का हित एक दूसरे के हित से टकराता नहीं है। सबका हित अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए पूरा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट आने के 30 दिन के भीतर मुआवजा किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा। वे हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खराब फसल का मुआवजा उपलब्ध करवाने में वर्तमान सरकार पूर्व की सरकारों की तरह ढुलमुल रवैया वाली सरकार नहीं है, बल्कि हमने फैसला किया है कि गिरदावरी रिपोर्ट जमा होने के 30 दिन के भीतर मुआवजे का चेक किसान के हाथ में होगा। किसानों को पिछले दिनों में जो ओलावृष्टि हुई, वर्षा हुई, इस संबंध में भी जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनको हानि हुई है, उसके संबंध में किसान के साथ खड़े हैं। प्रदेश की ओर से जो जो योजनाएं हम बना सकते हैं सब हमने बनाई हैं, खास करके उनके जो फसली ऋण हैं जिसको इस साल जो उन्होंने वापस करना था आगे 3 सालों के लिए रीशेड्यूलिंग कर दी गई है और इस बार का ऋण उनको मिलेगा। और जहाँ तक सब किसानों को लाभ देने की बात है, हमने एक किसान के हित में एक बहुत बड़ा काम किया है, वो है उनको फसली ऋण का जो शॉर्ट टर्म लोन है उसके ऊपर जो ब्याज उनको 4% प्रदेश की ओर से देना, यानी प्रदेश में जो हम दे सकते थे हमने 4% वो ऋण उनका माफ़ कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम हिसार में एकल विंडो सिस्टम का उद्घाटन कर लोकार्पण किया। नगर निगम के कार्यालय में अत्याधुनिक ई गवर्नेंस भवन में 10 खिड़कियां स्थापित की गई हैं। इन सभी खिड़कियों में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, बिल्डिंग प्लान, फायर सर्विस, बिजनेस लाइसेंस लेने के अलावा नगर निगम से संबंधित CM विंडो की शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं। खबर हरियाणा में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।